इलाहाबाद में यूपी पुलिस के दामन पर एक बार फिर बदनुमा दाग लगा है। दरअसल एक महिला ने दारोगा पर यौन शोषण का संगीन आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि करेली थाने में तैनात दारोगा नरेंद्र सिंह ने रिवॉल्वर के दम पर उसका शोषण किया। यही नहीं, दारोगा ने उसका MMS भी बना लिया। ये भाई, उसने जबरदस्ती मेरे साथ तो जो भी किया, ना चाहते हुए मेरी जिंदगी बर्बाद किया। मेरे 5 बच्चे थे, मेरी अच्छी खासी फैमिली थी, उसने उसमें इंटरफेयर किया, जो कि मेरी उसमें कोई भी मर्जी नहीं थी। अपने पिस्टल के जोर पर उसने मुझको डराया और धमकाया, और उसके बाद मैंने ऐसा किया। फिर उसके बाद मेरा धीरे धीरे इनसे लगाव बढ़ता गया, ऐसा लगाव बढ़ गया, मैंने हमेशा इनसे कहा तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो। शादी के नाम पे ये रहा, ठीक है मैं कर लूँगा। मेरे ज़्यादा पीछे पड़ने से इन्होंने एक दिन मंगलसूत्र भी मुझे पहनाया। मंगलसूत्र पहनाने के बाद धीरे धीरे ये अपना ठीक ठाक रहे। उसके बाद इनकी दूरी मुझसे बढ़ती गई, और ऐसी बढ़ती गई कि इनके कांटेक्ट में और भी लोग आने लगे। इसी को लेकर मेरा इनसे बहुत विवाद हुआ। वहीं पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने दारोगा के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज कर लिया है। थाना करेली क्षेत्र में एक नरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर हैं, जो वर्तमान में फतेहपुर में पोस्टेड हैं। पहले इलाहाबाद वगैरह में भी नियुक्त रहे हैं। उन पे एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। थाना स्थानीय पर इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हो गया है और इसकी विवेचना चल रही है, और शीघ्र ही इसमें गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की। आपको बता दें कि दारोगा नरेंद्र सिंह इस समय फतेहपुर के जहानाबाद थाने में तैनात है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है। मसूरी में पैडल रिक्शा की जगह ई रिक्शा संचालित करने की योजना का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि गढ़वाल आयुक्त के आदेशों पर स्थानीय प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट पर फैसला आने के बाद ई रिक्शा संचालित किए जाएंगे। वहीं झूला घर से कंपनी गार्डन और कैमल बेक रोड तक ई रिक्शा की ट्रायल की गई है। सरकार द्वारा जो है मसूरी में ये जो काफी टाइम से ये परंपरा चली आ रही है कि मैनुअल रिक्शा, तो मानवता के ग्राउंड पर सरकार ने फैसला लिया है कि भाई मसूरी को भी थोड़ा सा इससे मुक्त किया जाए। हम जो यहाँ पर आए हैं कि आज की डेट में सिर्फ ई रिक्शा का ट्रायल करना है कि यहाँ पे चलने की चांसेस क्या है, संभावना क्या है। ये हम पूरी मैटर की रिपोर्ट शासन को भेजेंगे, फिर टैक्स और छूट जो भी फाइनेंस का मामला हुआ ये वित्त विभाग तय करेगा। वही रिक्शा यूनियन का कहना है कि बैठकों में अपनी शर्तों को रखेंगे, और अगर सरकार उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार होती है तो वो ई रिक्शा को संचालित करने के लिए तैयार होंगे।